ये है मेरा Redmi का Pad Pro। सो ये मैंने हाल ही में ऑर्डर किया था और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग भी डली हुई है। बहुत ही जल्द मैं इसका रिव्यू वीडियो भी लाऊंगा और इसके लिए मैंने कवर MI का ऑर्डर किया था जो कि मेरे घर पर आ चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करके देखता हूँ और इसमें हम फिक्स करके देखेंगे किस तरीके का कवर है। ओरिजिनल MI का Redmi का ही कवर मैंने ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले हम और उनकी वेबसाइट से किया था, कहीं थर्ड पार्टी से नहीं किया था। तो यहाँ लिखा है Redmi Pad Pro कवर MI, इस तरीके का कवर है। इसमें एक दूसरे तरीके का भी कवर आता है जिसमें आपको कीबोर्ड इनबिल्ट मिल जाएगा और साथ के साथ एक पेन और आता है। हालांकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने वो चीज़ें ऑर्डर नहीं करी। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। इस तरीके से ओपन करके रख देना है, आपको टैब यहाँ रख देना है। देन आप इस तरीके से आप अपने टैब को कहीं रख भी सकते हैं टेबल पर। तो चलिए इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ पे इसकी सील मिल जाएगी हमें, तो मैं जो सील है ओपन कर देता हूँ। हालांकि मुझे कुछ ऐसा लगा कि सील पहले से ओपन हो, मुझे लगा, पर मे बी ओपन हो। अब देखते हैं अगर ओपन किया होगा कवर किस तरीके का साफ है या नहीं है। सो इस तरीके का आपको प्रीमियम कवर है वो मिलेगा, देखिए। हालांकि क्वालिटी सच बताऊं तो मुझे तो छूने पे फील नहीं हो रही जो फील क्वालिटी होनी चाहिए। ओरिजिनल ही होगा अगर मैंने वेबसाइट से ऑर्डर किया है तो। सो यहाँ हमें ये पॉलीथिन मिली है, ये क्यों मिली है इसे ओपन करके देखते हैं एक बार। ये तो आई थिंक वैसे ही दी है इन्होंने, बीच में पैकिंग की है और तो कुछ नहीं है, इसे तो हम अलग रख देते हैं। सो अब चलिए जो कवर है हम उसे फिक्स करके देखते हैं। सो ये हमारा कवर है पैड प्रो का। ओके, ये मैंने गलती से खींच लिया, इसे मैं फिक्स कर देता हूँ कि ये ख़राब ही हो गया। आई थिंक ये निकला है, ख़राब नहीं हुआ है, लग गया, ठीक है। सो इस साइड हमारा कैमरा है और हम इसे ऐसे करके इस तरीके से फिक्स करेंगे। हमारी टैब फिक्स हो चुकी है, अब हमें बंद करनी है तो इस तरीके से बंद कर सकते हैं। देखिए थोड़ी कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है कुछ ये देखने में, और ओपन करना हो तो ऐसा। अब देखिए कि आपको ये अगर अपनी टैब है ये किस तरीके से होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे फ़ोटो में किस तरीके से हम इसे खड़ी रख सकते हैं जो ऑप्शन दिया था। ओके, टैब हमारी इस तरीके से रहेगी और ये कुछ ये मुझे। सो हमारा जो पैड है हमारा जो Redmi Pad Pro है उसका जो कवर है काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स आ गया है, परंतु जो ये वाला सिस्टम हम कर नहीं पा रहे हैं। और हालांकि मैं देखूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। सो अब ये क्या है, इसकी थोड़ी सी सेफ्टी है ना, वो कवर आने से सेफ्टी बढ़ गई, वरना काफ़ी ये बड़ा पैड है और कहीं गिर के टूट सकता है, इस वजह से मैंने पैड मंगाया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।